हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज फैशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह आप अपनी लूज कुर्ती को अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो कुर्ती है डबल एक्सएल वाली कुर्ती है। ये अब हमने मेजरमेंट की कुर्ती ली है तो हमें इसके अकॉर्डिंग इस कुर्ती को बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस मेजरमेंट कुर्ती को इसके ऊपर प्लेस करके देखती हूँ। तो ये देखिए, ये इतनी लूजिंग है, ये इसमें ये दोनों साइड ये इतनी लूजिंग है इस कुर्ती का। अब हम इस कुर्ती को साइड में रखेंगे, मेजरमेंट वाली कुर्ती को। ये देखिए, इसके स्लिट्स भी जो हैं वो अनइवन हैं, देखिए बिल्कुल सेम नहीं है। और इस साइड भी, दोनों साइड भी इसकी जो स्लिट्स हैं ये भी अनइवन हैं। तो सबसे पहले हम स्लीव को अलग कर देंगे, फिर अब स्लीव्स के ऊपर जो भी स्टिचिंग है उसको भी हम ओपन कर देंगे। ये देखिए, मैंने स्लीव्स को अलग कर लिया है और यहाँ पे स्लिट्स पे भी मैंने स्टिचिंग्स जो हैं वो ओपन कर ली है। अब हम इस कुर्ती को इस तरह से सेंटर में पकड़ेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये हमारा फोर फोल्ड है, अभी हमारा जो कुर्ती है ये फोर फोल्ड है अभी। अब हम यहाँ पे इसके शोल्डर का मेजर करेंगे। इसका शोल्डर जो है वो 5 इंच है। अब हम कुर्ती के शोल्डर का मेजर देखेंगे तो ये है 3.25 इंच। ये देखिए इस तरह से, तो हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बैक नेक की लेंथ देख लेनी है कि कितना हमारा बैक नेक का लेंथ है। तो ये आ रहा है 6 इंच। अब हम इसके इस कुर्ती के बैक नेक को मेजर करेंगे, नेक की लेंथ को। तो ये देखिए, ये 3 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे शोल्डर में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारे बैक नेक की जो डीप कम होती है तब हम शोल्डर में एक पॉइंट बढ़ा लेना होता है। अगर बैक नेक का डीप बड़ा होता है तो हम सेम शोल्डर मेजरमेंट रख सकते हैं। ज़्यादातर रेडीमेड कुर्ती की जो भी बैक नेक होती है वो बहुत ही कम होती है, 2 से 3 इंच ही होती है, ज़्यादा लेंथ नहीं होती। फ्रंट नेक ज़्यादा लंबा हो या कम हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है बैक साइड के नेक से, लेंथ से। इसीलिए तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल लेंथ का मेजर करेंगे। इस तरह से शोल्डर से टेप को पकड़ना है और मेजर करना है। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्मोल लेंथ। अब हम यहाँ से वेस्ट लेंथ का मेजर निशान लगाएंगे तो 14 इंच, और यहाँ पे हिप लेंथ का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट्रॉन का मेज़र करेंगे। इस तरह कुर्ती से बिल्कुल इस बगल से लेती है दूसरे साइड बगल तक हमें इस तरह से टेप को रखना है और मेजर करना है। तो ये आ रहा है 17 इंच। ये कुर्ती हमारी डबल है इसलिए 17 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे 17.5 लेंगे तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी कुर्ती जो है ये 4 फोल्ड में है ये। तो हम यहाँ पे उसका हाफ लेंगे तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम वेस्ट राउंड का मेजर करेंगे। देखिए इस तरह से वेस्ट राउंड का मेजर है ये 15.5 इंच है। तो हम इस पे यहाँ पे इसका हाफ लेंगे देखिए यहाँ पे मैं 7.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे हिप राउंड का मार्क करेंगे। ये देखिए दोनों साइड इस तरह से हमें स्लिट को पकड़ना है, टेप को इस तरह से इस साइड स्लिट से और उस साइड स्लिट तक हमें इस तरह से टेप को पकड़ना है। तो ये आ रहा है 19 इंच। तो हम यहाँ पे 19 इंच का हाफ ले लेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा चेस्ट राउंड होगा, ये वेस्ट राउंड है और ये हमारा हिप राउंड का निशान है। तीनों निशान हमने यहाँ पे लगा दी है। अब हम इन तीनों निशान को मिला देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे आर्मोल की गोलाई देंगे, 1 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पे हम हिप राउंड के पास 1.5 इंच लेंगे स्लिट की फोल्डिंग के लिए। अब हम यहाँ पे बॉटम के राउंड का निशान लगाएंगे। बॉटम राउंड है वो 23 इंच है। तो यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्लिट्स फोल्डिंग के लिए।
हमें यहाँ पे इस तरह से इन निशानों को मिला लेना है, इस तरह से। और इसका बॉटम जो है वो बहुत ही अनइवन है, इसको हम सीधा करके कट कर देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे पूरा। ये देखिए हमने कटिंग कर दी है। हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे हाफ इंच अंदर करते हुए दोनों साइड इस तरह से। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। हम कुर्ती को इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों लेयर्स को ऊपर पकड़ के इस तरह से बैक साइड सेम निशान लगा देना है। इस तरह से हमने यहाँ पे तीन निशान लगा दिए हैं और इस निशानों को भी हम मिला लेना है। ये देखिए अब हमारे स्लीव्स हैं, ये दोनों स्लीव्स हैं हमारे कुर्ती के। यहाँ पे स्लीव की शेप की कटिंग नहीं हुई है तो हम यहाँ पे स्लीव की शेप की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें दोनों स्लीव के सीधी साइड को अंदर रखना है और इस तरह से स्लीव की शेप दे देनी है। या तो आप स्लीव के दोनों साइड अंदर साइड रॉन्ग साइड रखें या राइट साइड रखें। देखिए अब हमने इस तरह से स्लीव को कुर्ती में अटैच कर लेना है। शोल्डर से हम स्लीव को अटैच कर लेना है। अब हम इसको घुमाते हुए इसके ऊपर डबल स्टिच करते जाना है इसी तरह से। कुर्ती की सीधी साइड और स्लीव की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, रॉन्ग जो साइड होती है उल्टी साइड जो होती है वो ऊपर आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह हमें दूसरे साइड स्लीव को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों साइड स्लीव को अटैच कर ली है। अब हम स्लीव के बॉटम राउंड को मेजर करेंगे। मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस निशान से उस निशान तक हमें मिला देना है। देखिए हमने इस तरह से यहाँ से हिप राउंड तक हमें यहाँ तक स्टिच लगाना है और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह हमें इन दोनों निशानों को मिला लेना है और यहाँ से हमें यहाँ तक स्टिच लगाना है। ये देखिए दोनों साइड के स्लीव की जॉइंट बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे हमने हिप राउंड का निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक हमें स्टिच करना है कि यहाँ तक, यहीं पे हमें स्टिच को रोक देना है। ये देखिए हमने स्टिच लगा दी है, बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरे साइड भी स्टिच लगा देना है। अब हम साइड स्लिट की स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें रॉन्ग साइड इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे स्टिच करना है हमें। ये देखिए ये हमारी हिप राउंड की सिलाई है, इससे हाफ इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। तो अब हम इस स्टिचिंग को ऊपर वाले लाइन तक स्टिच करना है और फिर नीडल को अंदर रख के इस तरह से टर्न कर लेना है और ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर हम स्टिच करना है। देखिए इस तरह से। अब हम नीडल को अंदर रखते हुए इस तरह से फिर से घुमा लेना है और इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करना है स्लिट पे। अब हम स्लिट के इस साइड भी हम स्टिच लगाना है।
ये देखिए यहाँ तक हमें स्टिच करना है और टर्न कर लेना है कुर्ती को। बिल्कुल इसी तरह दूसरे साइड भी हमें स्लिट की स्टिचिंग कर देनी है। अब हम बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह हमें बैक साइड भी बॉटम में स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमारी लूज कुर्ती की जो फिटिंग बिल्कुल बराबर हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। ये देखिए ये हमारी मेजरमेंट की कुर्ती है, बिल्कुल इसी के बराबर इसकी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।